तो गाइस यार आप सबका स्वागत है एक और कतई खतरनाक चुतियापे से भरे हुए गेम प्ले की वीडियो में। और आज वाला गेम प्ले बहुत ज्यादा खास होने वाला है क्योंकि यार आज तुम्हारा भाई फुल रस खेल रहा था भाई, कतई बंदों को घुस घुस के पेला है, घर से निकाल निकाल के पेला है। अब यार देखो इस वाले गेम प्ले में तुम्हारे भाई ने लैंडिंग करी होती है कंटेनरों की नगरी, बोले तो जॉर्जो पुल में, क्योंकि भाई वो जगह बहुत सेफ थी रैंक पुश करने के हिसाब से। भाई साहब सेफ क्या थी, बस ये था कि थोड़ा 4-5 हज़ार मीटर दूर थी तो गाड़ी वगैरह लेके हम आराम से पहुंच गए थे, लूट कर ली भाई, बिल्कुल झोला अपना भर लिया है। अब यार देखो तुम्हारा भाई जा रहा है अंधा रस करने। अब भाई देखो सामने विद्यालय में चल रहा होता है महायुद्ध। अब यार देख रहे हो भाई साहब क्या ही अंधा धुन नेड मौली बरसाए पड़े हैं। और इस वाले चप्पड़गंजू को देखो, हाँ साले तू छत पे आके हाँ टहल ले, अबे ले बेटा प्रसाद भड़वे। भाई साहब देख रहे हो क्या ही लेजर स्प्रे मारा तुम्हारे भाई ने। अबे यार अब ये कौन झांक रहा है, अबे साले ले बेटा प्रसाद भड़वे खुले में झांक रहा है। भाई साहब देख रहे हो साला वहीं से स्मोक फेंक रहा है। अब यार देखो इस वाले मैच में तुम्हारे भाई को मिल जाता है मकड़ी मैन का जाला। और भाई साहब इस वाले जाले का तुम्हारा भाई इतना खतरनाक इस्तेमाल करता है ना, सीधा 1 सेकंड में यार छत पे। अब भाई साहब तुम्हारे भाई ने 2 बंदे नॉक कर दिए हैं तो 2 ही बंदे होंगे, अब ये काम करते हैं अंधा रस कर देते हैं। अब भाई साहब इस वाले चप्पड़गंजू को देख रहे हो, मतलब यार घुटनों पे पड़े हैं पर फिर भी इनको रिवाइव होना है। अबे 2 मिनट चैन की सांस ले लो, अभी तुम्हारे बंदे हम पे रस कर रहे हैं, अभी हमारी पेटी बन जाएगी तो आराम से रिवाइव होते रहना। पर भाई साहब हमारी पेटी नहीं बनने वाली। अबे भाई ये कौन घुसाया है, अबे अबे भागो बे भड़वे ले बेटा प्रसाद, अबे मर भी, अबे चूतिए के लोलू ऐसे कौन आता है। भाई साहब हमारी फबी फट के 4 हो गई थी भाई, यार क्या बताएं, एक तो इतने ज्यादा फुट स्टेप आ रहे हैं ना, कहाँ कहाँ ध्यान दे यार। अबे यार ये चप्पड़गंजू कहाँ से घुसा है, अबे ले बेटा प्रसाद, अबे भड़वे ये क्या हो गया बे, अबे बहनचोद ये कौन सा चूतियापा है भाई साला, जब से ये भी रस नहीं कर रहा था जैसे गन लोडिंग पे आई अंधा रस कर दिया। पर कोई बात नहीं, अभी हमारे चूतिया टीममेट जिंदा है, साले भाई साहब हमारे साथ रस तो नहीं करेंगे पर अच्छा ही है भाई जो हमको रिकॉल करके दोबारा बचा लिया, वरना सच्ची बता रहे इतनी अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल की गालियां सुनाता ना कि सालों के कानों से खून और पैंट में मूत एक साथ निकल जाता भाई साहब, सच्ची बता रहा हूं। वो तो शुक्र मनाओ कि बचा लिया, बच गए। अब यार थोड़ा दिमाग से खेलना पड़ेगा भाई, पता चला अंधा रस करने के चक्कर में फिर से निहुर गए। वैसे अंधा तो नहीं घुसेंगे भाई, रैंक पुश चल रही है, वो तो एक लाइफ जिंदा थी तो पिछले मैच में अश्वत्थामा बन रहे थे, अब तो वैसे फटी पड़ी है, थोड़ा देख देख के खेलना पड़ रहा है कहाँ से बंदा कम निहुरा दे। अबे 1 मिनट, अबे ये चप्पड़गंजू क्या कर रहा है बे खुले में, अबे ले बेटा प्रसाद है भड़वे। वाह भाई साहब देख रहे हो क्या ही चूतिया का लोड़ू प्लेयर था बे, बहनचोद हमको समझ में नहीं आता भाई ये ऐसे ऐसे प्लेयर आते कहाँ से हैं बे, कौन सा गांजा फूंक के खेलते हैं भाई। अबे तेरे को अगर हीलिंग ही करनी थी तो अंदर घुस के कर लेता। नहीं नहीं भाई अच्छा ही है कि बंदे ने ओपन में हीलिंग करी निहूर गया, वरना भाई साहब पता चला हम यहाँ फ्लो फ्लो में रस करते और हीलिंग करके क्या पता वो हमारी गंडिया तोड़ देता, तो अच्छा ही है भाई कि वो हमसे पहले निहूर गया। वो क्या है ना भाई, नाम देख के लग ही रहा था कि कुछ ज्यादा ही प्रो प्लेयर है वो। अब यार देखो हमको पता है कि ऐसे खतरनाक नाम रखने से कोई बंदा प्रो या नूब नहीं होता है, अब हम ही को देख लो, साला हमारे नाम में नूब है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि भाई हम नूब हैं, बोट भी हो सकते हैं। पर यार तुम्हारा भाई बहुत ज्यादा खतरनाक प्रो है, बिल्कुल अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल का प्रो है। अब यार देखो सामने हमारा एक अखंड चूतिया टीममेट फाइट ले रहा होता है और तुम्हारे भाई ने यहाँ से निकाला खतरनाक झुंझुनिया बाबा का लड्डू और ये फेंका और देखो भाई बंदा नॉक, अबे इसकी बहन को नमन, अबे ये कौन नॉक हो गया, अबे भाई लो फिनिश भी हो गया। रुक जाओ गाइज, यार देखो हमारा कोई इरादा नहीं था इसको मारने का, अब यार इसकी किस्मत ही भाई इसकी शक्ल की तरह खराब है तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, पर कोई बात नहीं दूसरा लड्डू फेंका है और देखा गाइज भाई साहब देखा हाथों हाथ बदला ले लिया, मतलब वैसे मारा तो हमने था उसको पर कोई बात नहीं यार, हमने सिर्फ नॉक किया था, फिनिश उस बंदे ने किया था। अब यार देखो भाई बुरा तो दिल से लग रहा है, इसको रिकॉल भी नहीं कर सकते, इसकी एक लाइफ भी खत्म हो चुकी है, पर कोई बात नहीं यार अगर गेम में दोबारा जिंदा हो भी जाता तो भाई कौन सा कद्दू में तीर मार देता साला, एक काम और बढ़ाता रिवाइव करने का, इससे अच्छा है भाई साहब निहूर गए तो कम से कम पेटी लूटने को तो मिल गई। अब यार चलो वो सब छोड़ो, फालतू की बातें बाद में कर लेंगे। अब यार देखो आपको पता ही होगा कि आज है फरवरी के चुतियापे का 5वां दिन, भाई साहब आशिकों के सारे रंडी रोने लगभग लगभग खत्म हो ही चुके हैं। अब यार ये 5 दिन कब गुजर गए फ्लो फ्लो में पता भी नहीं चला। अब यार देखो भाई पता भी आखिरकार कहां से चले यार, कोई जीएफ हो सेटिंग वगैरह हो तो भाई साहब चले भी पता, यार भाई हर दिन की तरह ये 5 दिन भी गुजर गए और पता भी नहीं चला, और सच्ची बता रहे हैं भाई पूरी जिंदगी गुजर जाएगी। पर मजाल है भाई जो एक लड़की सेट हो जाए। अब यार देखो इसमें लौंडों की कोई गलती नहीं है, सालों की शक्ल ही भाई सुअर जैसी है। चलो भाई वो सब छोड़ो, अब यार देखो आपकी जानकारी के लिए बता ही देता हूँ तुमको तो कुछ पता नहीं होगा, सालों सिंगल रहोगे जिंदगी भर, बता रहा हूँ तुमको। चलो सुनो देखो आज है प्रॉमिस डे,
और भाई सच्ची बता रहा हूँ, ये सबसे चूतिया दिन है भाई आज के दिन। मतलब पैसा तो खर्च होता नहीं है, तो भाई सब लंबी लंबी फेंकी जाती हैं। अब यार हमारे दोस्त को देख लो, बहन जो सुबह से इसने खाना नहीं खाया है, पर भाई साहब लौंडे ने सुबह से इतनी ज्यादा कसमें खा ली है ना कि यार सच्ची बता रहा हूँ, अगर उनको एक किताब या कॉपी में लिख दी जाए ना भाई साहब, 1600 पन्नों की किताब बन जाएगी भाई साहब। इधर से ये चूतिया जो है ना अपने बाबू को भाई साहब प्रॉमिस करता है कि बाबू मैं कसम खाता हूँ, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं आपका साथ जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। अबे चूतिया के लेड़ू भड़वे एक बात बता, अगर उसके भाई ने तेरे दो हड्डियां तोड़ दी ना और भाई साहब तेरे पास आके धमका दिया, तो साले उसका साथ तो तू बाद में छोड़ेगा, पहले इस दुनिया को छोड़ के चला जाएगा। मतलब भाई कुछ भी कसमें वादे होते रहते हैं। अब यार यहाँ तक तो चलो ठीक था, चूतिया पे सही चल रहे थे, पर भाई साहब इसके बाबू ने पता नहीं कौन सा सस्ता गांजा फूंक लिया यार, वो तो भाई बहुत लंबी लंबी फेंकने लगी कि बाबू आप ही तो मेरी दुनिया हो, मैं सच्ची कह रही हूँ मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी, आप मेरी जिंदगी हो, जिंदगी भर आपके साथ रहूंगी। अब इधर से ये चूतिया क्या रिप्लाई करता है भाई कि यार ऐसा मत करना, जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक मेरी जिंदगी है तभी तक मैं तुम्हारा हूँ, अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम अपनी जिंदगी बर्बाद मत करना, तुम किसी अच्छे से लड़के को देख के उससे शादी कर लेना। अबे चूतिए तुझे साले इतना बड़ा चूतिया बिंद हो गया है, अब तुझे इससे ज्यादा क्या होगा बे। अब भाई साहब यहाँ तक भी चलो ठीक था, मान लिया भाई, सह लिया। अब इसकी बाबू ने फलो फलो में पूछ लिया कि यार अगर मेरे घर वालों ने तुमको मारा तो यार तुम क्या करोगे, तो भाई साहब बंदे ने फलो फलो में आके बोल दिया यार कोई बात नहीं, 4 दिन की जिंदगी है। भाई साहब ये बात ना लड़की ने अपने दिल पे ले ली। ओम फो आए हाय, जो लौंडे का कटा भाई। बंदी ने भाई गिन के 4 दिन बात की, 5वें दिन भाई साहब ब्लॉक मार दिया, मैंने बोला यही थी तेरी 4 दिन की जिंदगी, अब बैठ और हिला। अब भाई साहब देखो सारे के सारे लौंडे ना फ्लो फ्लो में भाई यहीं पे आके गलती कर देते हैं यार, लड़कियों की मीठी मीठी बातों में फंस जाते हैं। आए मेरा बाबू कितना क्यूट है, मेरा बाबू कितना क्यूट है। अबे सालो क्यूट तो कुत्ते और सुअर के बच्चे भी होते हैं भाई। अबे यार वो तो हम तुमको मजाक मजाक में सुअर सुअर बोलते रहते हैं, तुमने तो ये बात अपने कतई दिल पे ले ली। अब यार चलो वो सब छोड़ो, देखो भाई सामने हमारे टीममेट को जो ना बड़ी बेरहमी से निवरा दिया जाता है। अब यार तुम्हारा भाई ऐसा खतरनाक स्प्रे मारता है ना, देखा गाइस क्या ही नोक किया बंदे को। अब भाई साहब हमारी बहुत ज्यादा फट रही है यार, अरे इसलिए नहीं फट रही है कि भाई वो बंदे हमको निहुरा देंगे यार, वो तो हमारा रोज का काम है, पर भाई साहब इसको इतना गंदा नोक किया कहीं हैकर ना बोलने लगे यार। अब यार देखो भाई सच्ची बता रहे हैं, तुक्के में नोक किया था, पता कुछ नहीं था, बस इतना पता था कि फायर देना है भाई अंधा, काहे की चुल मच रही थी, जनूने कूद रहे थे। यार देखो हमको उस चपड़गंजू की लोकेशन का तो नहीं पता है, तो हमको यहाँ नागिन बनना पड़ेगा। अब भाई साहब वो वाला बंदा कुछ ज्यादा ही प्रो लग रहा है, देख रहे हो भाई कतई साम दाम दंड भेद नेड मौली लौड़ा लहसुन प्याज अदरक धनिया पुदीना हर चीज का इस्तेमाल कर लिया है, पर इसको हमारी लोकेशन घंटा भी नहीं पता। और भाई साहब अब हमको इसकी लोकेशन चल गई है पता, सामने वाले पत्थर पे है। अब हमको एक काम करना पड़ेगा, यहीं से भाई साहब झुंझुनिया बाबा का लड्डू फेंकना होगा, पर पहले भाई साहब थोड़ा हीलिंग कर लेते हैं। अरे भाई साहब भड़वा ये एक बार पीक कर लेना, कसम से बता रहे हैं घात में ग्रोजा है, साले को पता भी नहीं चलेगा कब फेल दिया। अबे बहन चुदी का हो गया बे, अबे साले भड़वे चूतिया के लोड़ू इतना गंदा कौन मारता है यार, पता भी नहीं चला। भाई साहब एक गोली भी मारी इसने कि नहीं, अबे यार हैकर लग रहा है भाई देख के तो। भाई साहब एक ही गोली चलाई वो भी हेड नहीं मारी है, तो मारा क्या है बेस बंदे ने। भाई साहब कहीं हमारा फोन तो नहीं, फोन तो लैग नहीं हो रहा होगा यार, पोको X3 प्रो है, साला हैकर ही होगा। नहीं यार ऐसे हैकर नहीं बोल सकते। भाई साहब ये हैकर है कि नहीं है ये तो हमको बिल्कुल नहीं पता, पर इतना बता रहे हैं कि पिछले 6 मैच से निहूर रहे थे, पर इतना गंदा किसी बंदे ने हमको नहीं निहुराया।